नमस्कार दोस्तों, एसके मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरोफर एक्सटी टेबलेट के बारे में। अब हम जानेंगे ओरोफर एक्सटी टेबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, ओरोफर एक्सटी टेबलेट को कैसे लेना चाहिए और ओरोफर एक्सटी टेबलेट की वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ओरोफर एक्सटी टेबलेट लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। दोस्तों, ओरोफर एक्सटी टेबलेट का उपयोग शरीर में खून की कमी और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहते हैं। शरीर में खून की कमी होने पर त्वचा और बहुत ज़्यादा थकान होना, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, त्वचा और आँखों में पीलिया होना, उठते या बैठते वक्त चक्कर आना, हाथ और पैरों का ठंडा होना, सांस फूलना, दिल की धड़कन का तेज होना आदि लक्षण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर्स और ओरोफर एक्सटी टेबलेट लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो इसका ज़्यादातर लोगों को ओरोफर एक्सटी टेबलेट का साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं गया, लेकिन कुछ लोगों को सामान्य साइड इफ़ेक्ट होते हैं ओरोफर एक्सटी टेबलेट से। कुछ व्यक्तियों में कब्ज या दस्त की समस्या हो सकती है और कुछ व्यक्तियों में उल्टी आना या पेट दर्द की समस्या होने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, खाना खाने के बाद इसको लेना चाहिए एक एक टेबलेट। दोस्तों, इसको पर डे एक टेबलेट लेना चाहिए और इसको खाने के बाद एक दो घंटे तक चाय या कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चाय या कॉफ़ी शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकती हैं। और ओरोफर एक्सटी टेबलेट की 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसे मेल या फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन बच्चों को देने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, बच्चों को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाएँ इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। दोस्तों, ये थी इस टेबलेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।